अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन आज एक नए प्रोजेक्ट के साथ आपके सामने, जैसा से मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं जो हमारे सिलेक्टेड कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में वीडियोस बना के हल्का हल्का फुल्का ब्रीफ देना शुरू करूंगा, ताकि लोगों को आइडिया हो जाए कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स बेसिकली कर क्या रहे हैं, उनका मकसद क्या है। उसी लिहाज से आज किन के बारे में बात करूंगा और किन का साथ ही स्वैपिंग का अपडेट आया हुआ है, तो स्वैप कैसे करना है उसके बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। सो लेट्स सी किन बेसिकली है क्या। किन जो प्रोजेक्ट है, ये किक मैसेंजर हम लोगों जानते हैं। किक मैसेंजर को एक बहुत कॉमन मैसेंजर है, इसके रफली कोई 15 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर्स हैं ग्लोबली। उनका ये प्रोजेक्ट है और उनका आइडिया ये था कि दुनिया जो है वो तब्दील हो रही है और जो डिजिटलाइजेशन है इसने बहुत एडवांस हो जाना है और लोगों को नए मीडियम चाहिए होंगे बहुत सारे कामों के लिए। और बेसिकली जो अचीव करना चाहते हैं ये लोग अपने किन कॉइन के साथ, वो ये है। किक का बिलीव ये था कि गूगल और जो है फेसबुक, ये इस वक्त मार्केटिंग के एडवर्टाइजिंग के जॉइंट्स बन गए हैं, लेकिन इन दोनों जॉइंट्स ने एक चीज़ बहुत हद तक कैप्चर कर ली मार्केट के अंदर, जहाँ पे मार्केटिंग साइड, दूसरी साइड के ऊपर जो यूज़र है वो उन्होंने जो अपनी अपना जो कंटेंट है वो मार्केटिंग से पैसा तो कमा रहे हैं और डेवलपर्स को भी शायद पैसा कुछ दे रहे होंगे, लेकिन जो यूज़र है, यूज़र का उन्होंने ख्याल नहीं किया और यूज़र का जो ऑनलाइन आके चीज़ों को इस्तेमाल करना है वो मज़ा उसका कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। जिस तरह हम देखें कि किसी भी डेवलपर ने, किसी भी शख्स ने अगर कोई चीज़ क्रिएट की है तो वो कमा कैसे सकता है, वो ऐड लगाएगा। जब ऐड लगाएगा तो आप अच्छी भले कोई वीडियो देख रहे होते हैं, कोई गेम खेल रहे होते हैं, कोई ऐप यूज़ कर रहे होते हैं, बीच में एक ऐड चल पड़ता है और आपकी कंटिन्यूटी टूट जाती है, आप डिस्टर्ब हो जाते हो। सो एट टाइम्स विच इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। कई दफ़ा तो खाली एक ऐड चलता है लेकिन कई दफ़ा बहुत ज़्यादा ऐड चलते हैं। तो किक बेसिकली के लिए चाह रहा है कि एक ऐसा सिस्टम डेवलप करे जिसके ज़रिए जो डेवलपर्स हैं उनके पास जो पेमेंट है वो किन कॉइन की शक्ल में आ जाए, ऐड ना चलें, और जो यूज़र का जो मज़ा है या जो यूज़र जिस लिहाज से अपनी चीज़ को किसी को यूज़ करना चाह रहा है उसकी जो है अटेंशन जो है वो डाइवर्ट ना हो और उसका जो एटमोसफेयर है वो यूज़र फ्रेंडली रहे, ना कि वो खाली डेवलपर या जो प्लेटफॉर्म है उसके बेनिफिट को फोकस कर रहा हो। करेंगे क्या लोग, ये लोग कैसे करेंगे, इसके यूज़ के सिनेरियो क्या हैं, कि किन के अंदर जो आपके सेलिब्रिटीज़ हैं, एक्टर्स हो सकते हैं, क्रिकेटर्स हो सकते हैं, वो अपने ग्रुप्स बना सकते हैं और ग्रुप्स के अंदर अपने फ़ैन्स जो हैं उनके साथ वो क्या कहते हैं इंटरेक्ट कर सकते हैं, और जो यूज़र हैं उन्होंने जब उस ग्रुप के अंदर आना होगा तो वो किन कॉइन के ज़रिए पेमेंट करेंगे और उस पेमेंट के साथ जो है वो लोग जो है उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकेंगे। दूसरा, प्रीमियम यूज़र जनरेटेड कॉन्टेंट, अगर कोई डिवेलपर है, कोई राइटर है, वो कोई चीज़ लिखता है और वो चीज़ कोई ऐप कोई चीज़ डेवलप करता है और वो लोगों तक ले जाना चाहता है, तो वो एक प्रीमियम यूज़र कंटेंट जनरेटेड कंटेंट ग्रुप क्रिएट करेगा, उसकी एंट्री आप किन कॉइन्स के ज़रिए पे करने के बाद जो है आप एंटर आ सकते हैं, उसको आप उस लिखी हुई चीज़ को पढ़ सकते हैं या जो ऐप उसने शेयर किया या चीज़ उसने डेवलप किया उसको आप देख सकते हैं। उससे अगला जो यूज़ के सिनेरियो वो है शॉर्ट आउट मैसेजेस। लेट्स से किसी ग्रुप के अंदर आप अपना कोई मैसेज जो है, लेट्स से आपका एक सेलिब्रिटी का ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर आपने कोई मैसेज लिखा और आप चाहते हो कि वो मैसेज जो है मेरे सेलिब्रिटी तक पहुंच जाए, तो आप कुछ एडिशनल किन कॉइन पे करने के बाद अपने मैसेज को हाईलाइट कर सकते हो और कुछ टाइम के लिए आपका मैसेज हाईलाइट रहेगा, सामने नज़रों के रहेगा, ताकि जिसका ग्रुप है वो उस ग्रुप के अंदर उस मैसेज को पढ़ ले। तीसरा, टिपिंग का तरीकेकार हो सकता है कि आप टिप कर सकते हो लोगों को, आप कोई प्रमोशन है, कोई एडवर्टीजमेंट है आप चलाना चाहते हो और आप चाहते हो कि उसके ज़रिए टिप आप हासिल कर ले, तो आप टिपिंग हासिल कर सकते हो। बॉट मोनेटाइजेशन उसके अंदर है, जिसके अंदर आपने खाना ऑर्डर करना है या आपने कोई चीज़ बाय करनी है ऑनलाइन, तो आप मोनेटाइजेशन के ज़रिए जो है, लेट्स से आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है तो जो मैसेंजर है वो ऑटोमेटिकली एक टाइम के ऊपर आपने बता दिया, वो ऑटोमेटिकली किन के ज़रिए पेमेंट करके आपका पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर कर देगा। ब्रांड मिशन हो सकते हैं, ब्रांड मिशन में ये होता है कि आपका, लेट्स से आपकी क्लोथिंग की दुकान है और आप चाहते हो कि मेरी एडवर्टीजमेंट कम्युनिटी करे और आप कहते हो, इंसेंटिव लोगों को देते हो कि मेरी टी शर्ट पहन के, मेरा मग्गा पकड़ के अगर आपको एक पिक्चर खींच के अपलोड करते हो तो मैं आपको इतने किन कॉइन के अंदर उसकी पेमेंट करूंगा। तो एक तरीके के साथ उन्होंने कम्युनिटी के साथ मिलके एक चीज़ को डेवलप करने की कोशिश की है और कोशिश उनकी ये है कि जो बेनिफिट है वो लोगों को किन कॉइन की शक्ल के अंदर ही आए। सो दिस इज़ हाउ दे वॉन्ट टू गो। ये तो हो गया उसका थोड़ा सा एक बेसिक सा स्नैपशॉट कि किन बेसिकली कॉइन है क्या। अब अगर हम जाएं उसकी तरफ कि इसकी स्वैपिंग कैसे होगी, को इस तरफ ले आता हूं ताकि आप लोग देख सको। ये इनके पार्टनर्स हैं जिन पार्टनर्स के साथ किन जो है वो स्वैपिंग कर रहा है। ये कुछ
एक्सचेंजेस हैं, इन एक्सचेंज के अंदर अपने आप अगर कॉइन ले जाते हो तो ऑटो स्वैपिंग हो जाएगी। इन डेट्स नीचे लिखी हुई हैं, इन डेट्स के लिहाज से आप अपने कॉइन जो हैं अपने अगर आपके किसी भी और एक्सचेंज के अंदर हैं या अपने वॉलेट में पड़े हुए हैं, आप इन एक्सचेंजेस में ले जाइए, आप स्वैप कर लें, या फिर चेंजली और कॉइन स्विच दो प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पर आप जब डिपॉजिट करोगे या रिटर्न एड्रेस मांगते हो तो आपके स्वैप होने के बाद वापस आपके पास आ जाएंगे। वॉलेट्स जो हैं जिनके अंदर इसके कहते हैं स्वैपिंग हो जाएगी, उसके अंदर लेजर वॉलेट है, एटॉमिक वॉलेट है, फ्री वॉलेट है, ये तीन वॉलेट हैं जिनके ज़रिए आप इसकी स्वैपिंग कर सकते हैं। उसका मकसद क्या है, माइग्रेट क्यों करना है इसको, क्योंकि किन अपना एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है और अपने इकोसिस्टम को डेवलप करते हुए वो चाहता है कि जो ERC-20 थे उससे हटके उनका अपना ब्लॉकचेन जो है वो उसको यूज़ करना शुरू करते हैं। इसके लिए स्वैपिंग ज़रूरी है। अगर आप अपने कॉइन को इन डेट्स के अंदर जो डेट्स मेंशन हैं अगर आप स्वैप नहीं करते तो आपके जो कॉइन हैं वो मार्केट से आउट हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पुराने वाले कॉइन्स को बंद करके नए वाले कॉइन्स आपको इशू करने होंगे। मे बी उसके बाद कंपनी दोबारा कोई इशू कर दे तरीक़ेकार कि आप कैसे स्वैप करेंगे, लेकिन दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी डन। सो आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि इन डेट्स के अंदर लाजमी अपने कॉइन्स को आप स्वैप कर लें। ये छोटा सा अपडेट था। इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कुछ डिस्कस करना तो व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा, ग्रुप में आइएगा, बातचीत करेंगे इंशाल्लाह। जो क्वेश्चंस का जो और होंगे उनको हम अटेंड करने की कोशिश करेंगे। छोटी सी एक वीडियो थी, इसके साथ ही किन के ऊपर जो है रिव्यू वो मैं ख़त्म करता हूँ अभी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।